अभिषेक भाई नमस्कार, आवाज आ रही है क्या मेरी? मधु दीदी, अभिषेक भैया, आवाज आ रही कि नहीं बताना मेरे को, है ना? सत्यम भाई नमस्कार, मधु दीदी, अभिषेक, आवाज, प्रीति, थैंक यू। आ रही है, बढ़िया, धन्यवाद। सत्यम भाई नमस्कार, धन्यवाद। शरद भाई जी नमस्कार, शरद भाई ज्वाइन हो गए। गुल्लू, शुभम, नेमा, आ रही है आवाज, ठीक है। जय भोले। हाँ दीदी, ठीक है। नेमा संदेश पटल पर अनवरत 98वां दिवस आपकी अंजुमन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज मुझे लाइव आने का अवसर मिला, बहुत उत्साहित हूँ आप सबके प्रोत्साहन के लिए। काफ़ी समय से चल रहा था कि मुझे भी लाइव आना है, पर नहीं आ पा रहा था। जब संयोग बनता है तभी कार्य को मूर्त रूप मिलता है। जय माता दी। आपकी अंजुमन अनवरत 98 दिवस से लगातार चल रही है, आज 98वां दिवस है। वरिष्ठ कवियों को सुनने का अवसर मिला, नवोदित कवियों से हमें जुड़ने का मौका मिला, उन्हें एक मंच मिला। मैं भी नवोदित हूँ कह सकते हैं, वैसे मैं कुछ कविताएं नहीं लिखता, बस मन में जो भाव होते हैं उसे मैं लिख लेता हूँ। योगेश भाई धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद करते हुए जय श्री गणेश आप सभी को। गणेश जी सदा सहाय करें। इसके बाद माँ बीड़ावादिनी माँ सरस्वती जी को नमन करते हैं, याद करते हैं एक छोटी सी पंक्ति के द्वारा। माँ को समर्पित चार लाइनें। तू स्वर्ग की देवी है, तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे है, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे है, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ, हे सार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे स्वर्ग की देवी सरस्वती। माँ वीणा वादिनी को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और
सबसे पहले माँ के लिए एक कविता समर्पित करता हूँ। बस मन के भाव हैं, बस आपका सभी का स्नेहिल आशीष चाहिए। अच्छी लगे तो बताएं कमेंट्स लाइक के माध्यम से। तो माँ के लिए चार लाइनें जो मैंने लिखी। माँ वो शब्द, माँ वो शब्द, माता शक्ति लक्ष्मी है माँ, माता शक्ति लक्ष्मी है माँ, छाया माया दया है माँ, निश्चल निस्वार्थ प्रेम है माँ, त्याग सहनशीलता की मिसाल है माँ, ईमानदारी वफादारी जवाबदारी है माँ। और अंतिम पंक्तियों में मैं बोलना चाहूँगा कि ईमानदारी वफादारी जवाबदारी है माँ, संपूर्ण ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति है माँ, माँ वो शब्द, माँ वो शब्द। ये मैंने चार लाइन माता मम्मी को या समस्त माताओं को समर्पित की। वैसे भी कल हिंदू नववर्ष यानी नव सम सब सत 2021 प्रारंभ होने जा रहा है। इसी दिन से ही नवरात्रि की शुरुआत भी होती है, 13 अप्रैल 2021 से होगी। नव सब सत्सर 2078 की शुरुआत होगी कल से, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से। तो सभी को हिंदू नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित हैं। जय माता दी। इसके उपरांत चार लाइन बिटिया को समर्पित। ये तब की रचना है जब वो गुनगुनाने में, जब वो 2 माह या 1.5 माह या 2 माह की रही होगी हार्दिका, तब अचानक से किसी धुन पे ये चार लाइन बन गई। तो ये आप सबके सामने ये कविता के माध्यम से या गीत के माध्यम से समझ लें। ओ गुड़िया रानी तू कितनी है प्यारी, तू कितनी है न्यारी, तेरी बातें हैं बड़ी मस्तानी। ओ गुड़िया रानी तू कितनी है प्यारी, तू कितनी है न्यारी, तेरी बातें हैं बड़ी मस्तानी। ओ गुड़िया रानी तू कितनी सयानी, तू सब की है नानी, तेरी बातें हैं बड़ी मस्तानी। ओ गुड़िया रानी तू कितनी है प्यारी, तू कितनी है न्यारी, तू कितनी सयानी, तेरी बातें हैं बड़ी मत वाली। ओ गुड़िया रानी, ओ गुड़िया रानी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया गुड़िया रानी, सबकी राज दुलारी जी। बिल्कुल चार लाइन मैंने सभी जितने कवि कलमकार अभी तक इस मंच से रूबरू हुए हैं, उन सब की तरफ से मैं उन सब श्रोताओं के लिए एक स्वागत गीत जो मैंने चंद लाइनों में तैयार किया है, हो सकता है आपको वो पसंद आए। आप सब जुड़े ये चार पंक्तियों से, सभी कलमकारों की तरफ से उन श्रोतागणों को समर्पित ये स्वागत गीत है जो हमें अपना अमूल्य समय निकालकर समय देते हैं, सुनते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो उन सभी श्रोताओं के लिए, स्वजनों के लिए ये चार लाइनें समर्पित हैं। उर खोल रहे जय बोल रहे, उर खोल रहे जय
बोल रहे हम करने को सम्मान, आप सभी का स्वागत है श्रीमान, आप सभी का स्वागत है श्रीमान। बड़े दिनों से उनमें आशा थी हम सब मिल पावे, बड़े दिनों से उनमें आशा थी हम सब से मिल पावे। स्वागत कर कर आप सभी का आशीष हम है पावे, स्वागत कर कर आप सभी का आशीष हम है पावे। उर खोल रहे जय बोल रहे हम करने को सम्मान, आप सभी का स्वागत है श्रीमान, आप सभी का स्वागत है श्रीमान। जी धन्यवाद। ये चार पंक्तियां आप सभी को समर्पित स्वागत गीत के माध्यम से आपके अंजुमन में अनिल फूफा जी, प्रियंका जी, संतोष जी, अंजलि नेमा जी, श्रद्धा दीदी, संदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना बुआ जी, आनंद भैया नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़ रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं कोई कभी नहीं हूँ, किसी को कुछ पता नहीं है कि मैं क्या लिखता हूँ क्या बोलता हूँ, लेकिन अपने मन के भाव आप तक पहुँचा रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। चार पंक्तियाँ पुनः मेरी जो पंक्तियाँ होती हैं या मेरी जो कविताएँ रचनाएँ जो भी आप कह लें वो चार चार लाइनों से ज़्यादा नहीं होती हैं, चार लाइनें प्रस्तुत हैं जी। शरद अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद। मन में जब उमंगे तरंगे उमड़ती हैं, मन में जब उमंगे तरंगे उमड़ती हैं, शब्दों के रूप में कविता समरती है, शब्दों के रूप में कविता समरती है। मन से बस मन मिले, मन से बस मन मिले, इंसान जब भी इंसान से मिले, इंसान जब भी इंसान से मिले। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः चार पंक्तियां कविता के ऊपर ही। भाव को बताती कविता, भाव को बताती कविता, मन के भाव समझाती कविता, हर मन तक पहुंच जाती कविता, हर मन तक पहुंच जाती कविता, कम शब्दों में सब कुछ कह जाती कविता, कम शब्दों में सब कुछ कह जाती कविता। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनीता दीदी, प्रीति, वंदना बुआ जी, संदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा संदेश के विषय में भी चर्चा हो जाए। नेमा संदेश, नेमा संदेश ऑनलाइन मंच, सामाजिक संवाद का मंच है, जिसकी आधारशिला मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। इसकी आधारशिला 17 मई 2012 को भाई संदीप नेमा जी, जिन्हें हम बचपन के साथी हैं, जिन्हें हम गोलू के नाम से ज़्यादा संबोधित करते हैं, के द्वारा इस मंच की आधारशिला रखी गई थी। आने वाला 17 मई 9 वर्ष कंप्लीट करेगा और 10वें वर्ष में प्रवेश करेगा नेमा संदेश परिवार। अनवरत 9 वर्षों से सामाजिक कार्यों में संलग्न है नेमा संदेश, कहीं ना कहीं समाज को एकजुटता प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ है, भिन्न कार्यक्रमों को संचालित समय समय पर करता रहा है नेमा संदेश।
नेमा संदेश के संचालक मंडल में शामिल बसंत भाई मरवाड़ा से, श्रीमती सपना दीदी खुरई से, मधु दीदी इंदौर, सुनंदा दीदी बालाघाट से, सविता नेमा दीदी करेली से, श्वेता नेमा दीदी करेली से, आशा नेमा दीदी करेली से, अनीता नेमा दीदी नरसिंहपुर से, वंदना नेमा गुड़गांव से, श्रीमती श्रद्धा नेमा जबलपुर से, अभिषेक भाई मेघ से, सत्यम भाई करकबेल से, सौरभ नेमा मेघ से, श्री नलिल जी नेमा उज्जैन से, नरसिंह नेमा जी उज्जैन से, अजय भंडारी मामा जी चंडीगढ़ से, सभी का सहयोग हमें प्राप्त होता रहता है नेमा संदेश पटल पर किसी न किसी रूप में। चलिए कविताओं को आगे बढ़ाते हैं और एक कविता दोस्तों के नाम, क्योंकि जीवन में अगर कुछ कमाई है तो वो दोस्ती होती है। तो चार लाइनें समर्पित हैं, सुनिएगा, पसंद आए तो बताइएगा। शीर्षक है जीवन में दोस्त की दोस्ती, जीवन में दोस्त की दोस्ती, जीवन में दोस्त की दोस्ती, खुद की पहली कमाई होती है दोस्ती, मन से मन जब मिले तब होती है दोस्ती, जीवन का आधार होती है दोस्ती, सुख हो या दुख हो साथ ना छोड़े दोस्ती, इसी कारण दिल के बेहद करीब होती है दोस्ती, एक आवाज में दौड़ा चला आए ऐसी होती है दोस्ती, इसलिए बेहद खास होती है दोस्ती, जीवन में दोस्त की दोस्ती, जीवन में दोस्त की दोस्ती। दोस्त कोई भी हो सकता है, आपका भाई भी आपका सच्चा यार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, मित्र हो सकता है। तो ये समस्त मेरे दोस्तों को समर्पित ये चार लाइनें थी दोस्ती के ऊपर। जी रागनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और वैश्विक महामारी कोरोना के विषय में अगर चर्चा नहीं की जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो कोरोना पर चार लाइनें जो मेरे मन में भाव उठे, सुनिएगा। कोरोना की आफत से परेशान है इंसान, कोरोना की आफत से परेशान है इंसान, और जाते जाते कोरोना की वापसी से बेहाल है इंसान, और जाते जाते कोरोना की वापसी से बेहाल है इंसान, खुशी की लहर आई थी वैक्सीन जब आई थी, अब वैक्सीन तो आई पर साथ कोरोना को वापस ले आई, अब वैक्सीन तो आई पर साथ कोरोना को वापस ले आई, हाथों का धोना मास्क का होना और दूरी में रहना जीवन का अहम हिस्सा है, अब तो पूरी दुनिया का किस्सा है, अब तो पूरी दुनिया का किस्सा है, अब जीवन का मूल मंत्र दो गज दूरी मास्क है जरूरी, दो गज दूरी मास्क है जरूरी। तो मास्क लगाएं, दो गज की दूरी बनाएं, ये सभी एक साल से हम इस नियमों का पालन करते आ रहे हैं। इसी क्रम में कोरोना पे चार लाइनें और पहले लिखी हुई थी कि कोरोना ने सताया बहुत कुछ सिखाया, प्रकृति में परिवर्तन और मानवता में चिंतन, ये कोरोना ने सिखाया प्रकृति में परिवर्तन और मानवता में चिंतन।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और व्यक्ति की स्वयं से मुलाकात कैसी होती है या कैसी होनी चाहिए, वो मैं अपने भाव, अपनी कविता के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। ये मेरे मन के भाव हैं जो कविता के रूप में आप सब सुन रहे हैं। शीर्षक है खुद से खुद की मुलाकात। खुद से खुद की मुलाकात, सुनिएगा। खुद से खुद की मुलाकात भी जरूरी है। खुद से खुद की मुलाकात भी जरूरी है। खुद से खुद की बात होना भी जरूरी है। शांत बैठ, शांत बैठ मन की सुनना भी जरूरी है। पक्षियों के कलरव की सरगम, पक्षियों के कलरव का सरगम सुनना भी जरूरी है। हवाओं की सरसराहट की छुअन का एहसास भी जरूरी है। फिजाओं में जो बिखरे हैं, फिजाओं में जो बिखरे हैं वह रंग भी जरूरी हैं, जिन्हें वह रंग भी जरूरी हैं। बहुत कुछ है करीब अपने, बहुत कुछ है करीब अपने, जिन्हें समझना भी जरूरी है। दुनिया की भाग दौड़ में, दुनिया की भाग दौड़ में हर शख्स गुम है, यह सब छोड़ दिले नादान, यह सब छोड़ दिले नादान, खुद से मिल यह बेहद जरूरी है। खुद से मिल ये बेहद जरूरी है। खुद से खुद की मुलाकात भी जरूरी है। धन्यवाद। इसी क्रम में पुनः चार लाइन है कि क्या खोया क्या पाया हमने, क्या खोया क्या पाया हमने उस कल की ना तुम बात करो। क्या खोया क्या पाया हमने उस कल की ना तुम बात करो। बीत गया वो बीत गया, बीत गया वो बीत गया, अब नवचेतन की तुम बात करो, अब नवचेतन की तुम बात करो। इसी क्रम में चार लाइनें और प्रेषित हैं कि वो गुजरा जमाना याद आता है, वो गुजरा जमाना याद आता है, अपनों से वो मिलना याद आता है। अब तो बस मीठी यादों का सहारा है, अब तो बस मीठी यादों का सहारा है। आज के दौर में कौन किसे याद आता है, आज के दौर में कौन किसे याद आता है, वो गुजरा जमाना याद आता है, याद आता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स क्योंकि मैं हो गया हूँ कविताओं में, तो बाकी मैं नवचेतना की बात। बहुत बहुत धन्यवाद सविता दीदी, शरद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप निरंतर सुन रहे हैं। अभिषेक भाई अपनों से मिलना धन्यवाद, अंकित भाई बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल भाई, अनिल कुपा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बसंत भाई धन्यवाद। बस कहीं ना कहीं कविताएं आप लोगों से ही सीख रहा हूँ। जितने वरिष्ठ या जो नवोदित कलमकार पटल से रूबरू हुए हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई। छोटी सी संदेश के ऊपर एक नज़र दौड़ाता हूँ आपको कि नेमा संदेश पटल विगत 17 मई को, मैंने जैसे बताया कि पूरे 9 वर्ष कंप्लीट कर लेगा सामाजिक संवाद का, ये संवाद का मंच और हमारे आधार स्तंभ भाई संदीप नेमा जी के द्वारा यह कार्यान्वित हुआ और निरंतर चल रहा है। रुचिता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने ज्वाइन किया, ननिल जी धन्यवाद, अंजू गुप्ता जी धन्यवाद। नेमा संदेश की पहचान में बनाने में बहुत योगदान रहा है। संदेश पर खाना खजाना कार्यक्रम
से संबंधित पोस्टों ने भिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में स्ट्रीट फूड प्रतियोगिताएं, खाना खजाना से संबंधित प्रतियोगिताएं, फैंसी ड्रेस हो, दिवाली पर दिया डेकोरेशन हो, थाली डेकोरेशन हो, या ग्रुप सेल्फी हो, या सेल्फी हो, या राखी मेकिंग हो, राखी पे सेल्फी का आयोजन हो, ये सारे कार्यक्रम न्यामा संदेश पटल आयोजित करता आ रहा है। उसके बाद कुछ ट्रेंडिंग पॉइंट हुआ, नई चीज़ों, नई विधाओं से जुड़े, संगीत क्षेत्र में जुड़े, कविताओं में आए। आपकी अंजुमन तो बहुत पुराना था कि सौरभ भाई इसको संचालित करते थे, लेकिन उसको इतना बड़ा रूप दिया जाएगा और इतने बृहद रूप में ये ऊंचाइयां छू जाएगा, ये नहीं मालूम था। और आज ये अनवरत 98वां दिवस का कार्यक्रम मेरे द्वारा संचालित हो रहा है। न्यामा सिंगिंग स्टार्स 2019 में न्यामा संदेश का एक भव्य आयोजन कह सकते हैं कि भव्य कार्यक्रम कह सकते हैं कि आयोजित किया गया, और उस पर लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और बहुत सी प्रतिभाएं समाज को मिली, समाज से रूबरू हुई, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला न्यामा संदेश के मंच के द्वारा, न्यामा सिंगिंग स्टार्स के द्वारा। 13 अक्टूबर 2019 को न्यामा संदेश ने के तत्वाधान में नरसिंहपुर में निमी जयंती के दिन न्यामा सिंगिंग स्टार्स प्रतियोगिता का ऑनलाइन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जबलपुर से अदिति, सागर से श्रीमती स्वाति जी, जबलपुर से श्रीमती वर्षा नेमा, सिवनी से श्रीमती हनी गुप्ता जी, करेली से साकेत, नरसिंहपुर से नितिन नेमा, नरसिंहपुर से ही छोटी बिटिया अवनी नेमा, इन सभी ने उसमें भाग लिया और प्रथम नेमा सिंगिंग स्टार्स नेमा संदेश के माध्यम से श्रीमती हनी गुप्ता जी सिवनी को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। उसके उपरांत यह क्रम निरंतर जारी है और गीत गाता चल भी उसी क्रम में नेमा संदेश का एक कार्यक्रम है, जिसे अभी सामाजिक उथल पुथल को मद्देनजर रखते हुए उसको कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है, उसे पुनः आगाज दिया जाएगा। इसके बाद पुनः कविताओं का रुख लेते हैं, ये बीच बीच में आपसे जुड़ने का एक माध्यम है, आपको संदेश पटल से रूबरू कराना है। अनुराग भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी उस नेमा सिंगिंग स्टार्स के प्रतिभागी रहे हैं और तृतीय स्थान आपने प्राप्त किया था। पुनः चार लाइनें आप तक पहुंचने का, हाथों की लकीरें, हाथों की लकीरें तो महज इत्तेफाक हैं, हाथों की लकीरें तो महज इत्तेफाक हैं, कोई राजा तो कोई फकीर है, जो दौलत से राजा वो फकीर है, जो दौलत से राजा वो फकीर है, और जो फकीर है वो दिल से अमीर है, और जो फकीर है वो दिल से अमीर है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तेरे होने का वजूद है, बेशक यही हम इंसानों का नसीब है, हाथों की लकीरें तो महज इत्तेफाक है, महज इत्तेफाक है। जी हम भी सबसे जानने लगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, हनी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मनोज भैया, सपना दीदी, संदीप भाई, संदीप भाई शिवनी से भी जुड़ गए हैं हमारे बीच में, सपना दीदी जी, मन्ना बुआ,
बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई, फकीर हैं। पुनः चार लाइनें आप तक पहुंचा रहा हूं। शीर्षक है मैं आदमी हूं, तिनका तिनका जोड़कर बना हूं, तिनका तिनका जोड़कर बना हूं, प्रेम विश्वास और ईमानदारी में जकड़ा हूँ, प्रेम विश्वास और ईमानदारी में जकड़ा हूँ। इन सब चीज़ों ने मुझे बिखरने से बचा रखा है, इन सब चीज़ों ने मुझे बिखरने से बचा रखा है। और नहीं कुछ मेरे पास, बस नजराने में शुक्राना है। और नहीं कुछ मेरे पास, बस नजराने में शुक्राना है, बस शुक्राना है, क्योंकि मैं आदमी हूँ, क्योंकि मैं आदमी हूँ। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दो लाइनें कि फूलों की खुशबू और इत्र की महक, फूलों की खुशबू और इत्र की महक और व्यक्ति की प्रतिभा किसी के रोके नहीं रुकती, किसी के रोके नहीं रुकती। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सुन रहे हैं मुझे। पुनः चार लाइनें, एक भाव जो उमड़ा था जब इस कोरोना काल में आदमी जब घर से दूर होता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो घर में होता, अपनों के बीच होता तो कितना अच्छा होता। तो चार लाइनें कि मंजिल की तलाश में अपना शहर छूट गया, मंजिल की तलाश में अपना शहर छूट गया, शहर क्या छूटा, अपना सब कुछ टूट गया। नए शहर में मंजिल तो मिली, पर जो छूटा और जो टूटा वो नसीब ना हुआ, पर जो छूटा और जो टूटा वो नसीब ना हुआ। मंजिल की तलाश में शहर छूट गया, मंजिल की तलाश में शहर छूट गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, तमन्नाएं कभी पूरी नहीं होती, तमन्नाएं कभी पूरी नहीं होती, मंजिलें कभी भी किसी को नहीं मिलती, तमन्नाएं कभी पूरी नहीं होती, मंजिलें कभी भी किसी को नहीं मिलती। मुस्कुराहटों में खुशी को मत खोजो, मुस्कुराहटों में खुशी को मत खोजो, और ख्वाहिशों में जिंदगी को खोजो, और ख्वाहिशों में जिंदगी को खोजो, जिंदगी को खोजो। जी कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप को पसंद आ रही हैं तो ये बहुत बढ़िया, लेखन की तरफ जा रहा हूँ, मतलब मैं कुछ लिख पा रहा हूँ, अपने भाव प्रकट कर पा रहा हूँ। बसंत भाई धन्यवाद, संध्या जी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आगे बढ़ते हैं। चार लाइनें, ये आज मैं बैठा था तो एकदम से वो कविता पाठ पढ़ते पढ़ते वो महादेवी जी, कवित्री, महान कवित्री महादेवी जी वर्मा जी, जब 6 वर्ष की थी वो जब देखती थी अपनी माता को भगवान ठाकुर जी को भोग लगाते हुए लड्डू का या किसी किसी अन्य अन्य प्रकार के व्यंजनों का, तो महादेवी जी ने 6 वर्ष की आयु में ये चार लाइनें लिख दी थी जो मुझे बहुत दिल को छू गई, जो मैं आप सबसे बांटना चाह रहा हूँ कि माँ के ठाकुर जी भोले हैं, ठाकुर जी भोले हैं, ठंडे पानी से नहलाती, ठंडा चंदन उन्हें लगाती, उनका भोग हमें दे जाती, तब भी कभी ना बोले हैं, तब भी
कभी ना बोले हैं माँ के ठाकुर जी भोले हैं, माँ के ठाकुर जी भोले हैं, ठाकुर जी भोले हैं। ये चार पंक्तियाँ महादेवी जी को समर्पित आप सबके सामने। जी बहुत बहुत धन्यवाद हनी दीदी, मनोज भैया। 45 वो जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने गुजरे बचपन की तरफ आपको ले चलते हैं। अनुराग भाई बहुत बहुत धन्यवाद, संदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन की तरफ ले चलते हैं, गुजरा बचपन, गुजरा बचपन लौटा। मैंने जो महसूस किया हार्दिका के आने के बाद और हार्दिका के साथ साथ जो बचपन गुजरा, जितना मैंने उसके साथ रहा, तो ध्यान से सुनिएगा, शायद पसंद आए आप लोगों को। शीर्षक है गुजरा बचपन लौटा, गुजरा बचपन लौटा। वो बचपन के अधूरे ना सच होने वाले सपने, वो बचपन के अधूरे सच ना होने वाले सपने, चित्रकारी अदाकारी और गाने के सपने, चित्रकारी अदाकारी और गाने के सपने। कभी ना सोचा था वो गुजरा बचपन लौट आएगा, कभी ना सोचा था वो गुजरा बचपन लौट आएगा। वो बचपन हार्दिका के रूप में लौट आया है, वो बचपन हार्दिका के रूप में लौट आया है। चित्रकारी अदाकारी और गाने की बहार आई, चित्रकारी अदाकारी और गाने की बहार आई, और साथ में काव्य भी ले आई, और साथ में काव्य भी ले आई। उस दिन मुझे जहाँ मिल गया, उस दिन मुझे जहाँ मिल गया, सामने बैठी बिटिया के सामने अदाकारी की मैंने, उसके बचपन के साथ अपना बचपन जी लिया। और बिटिया ने, इस लाइन को आप गौर फरमाइएगा, और बिटिया ने खुद के बचपन में, और बिटिया ने खुद के बचपन में मेरा बचपन देख लिया, मेरा बचपन देख लिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई। प्रीति, ये छोटा सा संस्मरण है, मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ। ये गुजरा बचपन क्यों लिखा कि पिछले साल 2019 में, 2020 तो कोरोना के कारण लॉकडाउन में निकल गया, 14 नवंबर 2019 चिल्ड्रंस डे का दिन था। स्कूल में टीचरों को परफॉर्म करना होता है और बच्चे बैठ के टीचरों का परफॉर्मेंस देखते हैं, तो उस कड़ी में मुझे एक बच्चे का रोल करने का ऑफर मिला। स्कूल की तरफ से टीचर्स बोले कि सर एक काम करिए, हमारे एक दामोदर सर हैं, वो पीटीआई हैं, उनको पिताजी बनाया गया। और बोले अब वो बच्चा किसको बनाया जाए, तो बोले विकास भाई, विकास सर आप एक काम करो, बच्चे का रोल करो। मैंने कहा ठीक है, कर देते हैं, करना क्या है मुझे बताइए। तो शौक था पहले से, कभी कर नहीं पाए। छोटा सा प्ले था, 15 मिनट का प्ले था, उसमें बच्चे का एक रोल निभाना था मुझे, तो वो बचपन का रोल मैंने, और सामने हार्दिका भी बैठी थी कि वो बच्ची थी, वो KG 2 में थी, और बच्चे सारे बैठे थे, लगभग 3 साढ़े 3 हज़ार बच्चों के बीच में परफॉर्मेंस थी। तो वो उस क्रम को महसूस करते हुए, भाव को आगे मैंने कविताओं का रूप देकर ये वो गुजरा बचपन मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत किया। शायद आप सबको पसंद आया होगा। हार्दिका को हेलो, बिटिया खूब पढ़ो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। चार लाइनें पुनः आपको शायद पसंद आएंगी। आज के दौर का एक रंग ऐसा भी, आज के रंग का
सॉरी, आज के दौर का एक रंग ऐसा भी जिसे कुछ नहीं आता है, जिसे कुछ नहीं आता है वो नाम पाता है, और जिसे आता है वो बैठ ताली बजाता है, और जिसे आता है वो बैठ ताली बजाता है, फिर नाम वाला ताली बजाता है, और ताली बजाने वाला सिर्फ मुस्कुराता है, और ताली बजाने वाला सिर्फ मुस्कुराता है, सिर्फ मुस्कुराता है, आज के दौर का एक रंग ऐसा भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद रागनी जी, कृष्ण कुमार जी जी बहुत बहुत सुंदर संस्मरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप महसूस कर रहे हैं। चलते चलते और इसी क्रम में और चार लाइनें, जो छोटी छोटी कविताएं रचनाओं के माध्यम से आप समझ के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, कि एहसासों के एहसास को बयां करते आंसू, एहसासों के एहसास को बयां करते आंसू, सुख में निकलें या दुख में निकलें, सुख में निकलें या दुख में निकलें, रंग न बदलें आंसू, रंग न बदलें आंसू, एहसास के एहसास को बयां करते आंसू। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। ये हाल ही में होली पे मैंने एक छोटी सी एक कविता लिखी थी, अभी होली को निकले ज्यादा समय नहीं हुआ है, 29 मार्च की होली थी, तो चार लाइनें और मैं आपके सामने होली के संस्मरण पे रखना चाहता हूँ, सुनिएगा। बचपन की वो होली दोस्तों की वो टोली, बचपन की वो होली दोस्तों की वो टोली, याद आती है हर होली, याद आती है हर होली, दोस्तों के संग वो होली, दोस्तों के संग वो होली, दिलकश होती थी वो होली, दिलकश होती थी वो होली, सुबह से शाम तक होती थी होली, सुबह से शाम तक होती थी होली, बचपन की वो होली, बचपन की वो होली, दोस्तों की वो टोली, बचपन की वो होली। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी, प्रियंका जी, मन्ना बुआ जी, सपना दी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और कविता शीर्षक है इंसान की पहचान। जी हार्दिका को भी बुलाएं और सुना देगी, कुछ सुनाएंगी आप, क्या सुनाएंगी, आ जाइए जी। अभिषेक जी वैसे उसकी बहुत इच्छा थी कि आज सोमवती अमावस्या भी है, सबको हर हर महादेव, तो आपके सामने हार्दिका जी, आपके सामने कुछ हर हर महादेव पे कुछ प्रस्तुत करना चाह रही हैं, आप सभी सुने और पसंद करें। अकाल मृत्यु मर्ता काम बिल्कुल करता बिल्कुल जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मर्ता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, भक्त जो महाकाल का। भोले के मस्तक में हम बम, भोले बम, भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, भोले के नाम के चलती है दुनिया बाढ़ लगे जो कष्ट तुम्हारे, भोले के नाम के दीवाने हुए हम फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। ओ देख भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। मर्द काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, भक्त जो महाकाल का। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। और कुछ सुनाना है?
थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कविता के क्रम को जारी रखते हैं। सभी को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कल से लगने वाले हिंदू नववर्ष और नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं सभी को। और कल रात्रि शाम को 7 बजे भी श्रीमती हनी गुप्ता जी सिवनी से लाइव प्रस्तुति देंगी, देवी गीत प्रस्तुति का कार्यक्रम न्यामा संदेश पटल पर। आप सभी सादर आमंत्रित हैं माता रानी के जयकारा लगाने के लिए। जय माता दी। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चार लाइनें पुनः आप सबको प्रेषित हैं। शीर्षक है इंसान की पहचान, इंसान की पहचान। 38 आंखों से बहता नीर तो बस नीर है, आंखों से बहता नीर तो बस नीर है, नीर का न कोई रंग न कोई धर्म है, ये तो बस खुशी या गम का समंदर है। बह जाता है नीर आंखों से, बह जाता है नीर आंखों से, जब एहसासों की आंधी में डूबा हर शख्स हो। हर शख्स अपने में नीर छुपाए है, कोई प्रत्यक्ष तो कोई अप्रत्यक्ष नीर बहाता है। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता इस आवेग को, इंसान है इंसान की यही तो पहचान है, इंसान है इंसान की यही तो पहचान है, इंसान की यही तो पहचान है। नरसिंह भाई नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आप सबके सामने पुनः एक और कविता पेश है जी, सुनिएगा जी। सनी भाई इंसान की पहचान, पुनः चार लाइन जुड़िएगा। कभी खामोशियां कभी उदासियां, कभी तन्हाइयां कभी मदहोशियां, क्या क्या रंग बदलती जिंदगानियां, हर लम्हे को जी लिया फिर भी कहता है मन अभी बहुत कुछ बाकी है खुमारियां, अभी बहुत कुछ बाकी है खुमारियां। कशिश जिंदगी की बहुत दिलकश सी होती है, कशिश जिंदगी की बहुत दिलकश सी होती है, कभी अपनी कभी पराई कभी बेबसी सी भी होती है। मुस्कुराता है देर भरी लगती है तन्हाइयां, मुस्कुराता है देर भली लगती है तन्हाइयां, हर लम्हे को जी लिया फिर भी कहता है मन अभी बहुत कुछ बाकी हैं खुमारियां, अभी बहुत कुछ बाकी हैं खुमारियां जी। धन्यवाद, आप सभी जुड़े हैं, आप सबको पसंद आ रही हैं कविताएं, ऐसा मेरा मानना है। पुनः एक आत्मचिंतन आप तक रखना चाह रहा हूं, अपने भाव अपनी रचना अपनी कविता के माध्यम से, सुनिएगा। आज अकेले बैठे बैठे आत्मचिंतन हुआ, आज अकेले बैठे बैठे आत्मचिंतन हुआ, आज अकेले बैठे बैठे आत्मचिंतन हुआ, कितना पागल है तू मानव, कितना पागल है तू मानव, किस बात का है तुझे अहम, किस बात का है तुझे अहम, कितना पागल है तू मानव,
किस बात का है तुझे अहम, कुछ नहीं है तेरा इस जगत में, कुछ नहीं है तेरा इस जगत में, फिर क्यों तू हाहाकार करे, छोड़ के खुद की तू ख्याति, छोड़ के खुद की तू ख्याति, मानवता का सृजन करो, अपना पराया कुछ नहीं होता, अपना पराया कुछ नहीं होता, तू बस नित्य ये मनन करो, मानवता के प्रकाश पुंज को, मानवता के प्रकाश पुंज को तुम बस चहुओर प्रज्वलित करो, चहुओर प्रज्वलित करो, चहुओर प्रज्वलित करो। हनी गुप्ता दी, बहुत बहुत धन्यवाद मधु दीदी, हनी दीदी, संदीप भाई, बन्ना बुआ। पुनः चार लाइनें जो मैंने लिख रखी हैं, पुनः आपसे जुड़ना चाह रहा हूं। संस्कार तुम्हें दे जाएंगे, संस्कार तुम्हें दे जाएंगे, तुम इन्हें आगे बढ़ा देना अपनी संस्कृति की। पुनः संस्कार तुम्हें दे जाएंगे, संस्कार तुम्हें दे जाएंगे, तुम इन्हें आगे बढ़ा देना, अपनी संस्कृति की धरोहर है, अपनी संस्कृति ही धरोहर है, तुम इसको सदा संजो देना। गाता हूँ गीत अमन के मैं, गाता हूँ गीत अमन के मैं, तुम सुर बन राग सजा देना। मेरे सपनों के हर फूलों का, मेरे सपनों के हर फूलों का, तुम प्रेम भरा गुलशन बनना। जीवन संघर्ष सभी का है, जीवन संघर्ष सभी का है, तुम दृढ़ निश्चय लेकर चलना। मंजिल मंजिल पथ कितनी भी दुर्गम हो, तुम निर्भय हो चलते ज रहना। है गर्व मुझे तुम पर सदा, विश्वास अटल हिमालय सा, तुम विश्व पटल पर यशस्वी हो, विश्वास सदा खुद पर रखना, विश्वास सदा खुद कर खुद पर रखना। जी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई, आशा मौसी जी धन्यवाद, चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े नागपुर से, डॉक्टर प्रभाकर चाचा जी जुड़ गए हैं, नरसिंह भाई नमस्कार। चलिए चार लाइनें पुनः है आप तक। पथ कठिन है तो क्या, पथ कठिन है तो क्या, बस तू लक्ष्य की ओर तो चल, पथ कठिन है तो क्या, बस तू लक्ष्य की ओर तो चल, तोड़ दे पिंजड़ा कुंठाओं का, मन की लहरों को उड़ने तो दो, मन की लहरों को उड़ने तो दो। गाता हूँ गीत मन के मैं, बहुत बढ़िया कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सपना बोल दीदी बहुत बहुत धन्यवाद जी। पुनः चार लाइन कोरोना पे क्रम से दो चार चार लाइनें हैं। प्रकृति ने भी गजब खेल खेला है, प्रकृति ने भी गजब खेल खेला है, इंसान के इंसान के मेल को तोड़ा है, इंसान के मेल को तोड़ा है, अब भी न सुधरे, अब भी न सुधरे तो खेल दूजा ही होना है, अब भी न सुधरे तो खेल दूजा ही होना है। आवा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, अनीता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, मधु दीदी। पुनः कोरोना पे चार लाइन। कोरोना की बीमारी बनी हुई है लाचारी, कोरोना की बीमारी बनी हुई है लाचारी, कुछ तो हो गए माला माल, कुछ तो हो गए माला माल, बाकी सबका हाल बेहाल, बाकी सबका हाल बेहाल। जिंदगी की कस्म कस्में, जिंदगी की कस्म कस्में, तन्हा हो गए फिर कस्म कस्में, जिंदगी तन्हा हो गई फिर कस्म कस्में, जिंदगी तन्हा हो गई। जी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई, नरसिंह भाई, बसंत भाई, बन्ना बुआ जी, सपना दीदी। पुनः अपनों के लिए चार पंक्तियां।
कि अपनों का एहसास बस भाव होना चाहिए, आप कहीं भी कर सकते हैं चार पंक्तियों के माध्यम से। अपनों का एहसास फूलों की खुशबू है, अपनों का एहसास फूलों की खुशबू है, बागों में खुशबू अपनों का एहसास कराती है। अगर आप बाग में जाते हैं, खुशबू लेते हैं, तो बागों में खुशबू अपनों का एहसास कराती है। अपनों से मिलो तो, और यदि आप अपनों से मिल रहे हैं, अपनों से मिलो तो फूलों की खुशबू याद आती है। यदि आप बागों में खुशबू आप बागों में जा रहे हैं तो बागों में खुशबू अपनों का एहसास कराती है, और अपनों से मिलो तो फूलों की खुशबू याद आती है। अपनों का एहसास फूलों की खुशबू है, अपनों का एहसास फूलों की खुशबू है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सपन सुनंदा दीदी। पुनः चार लाइन, शीर्षक है वो पल, शीर्षक है वो पल। वो पल 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 याद आता, वो पल 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 याद आता, वो पल प्रेम विश्वास और उत्साह का था बल। प्रेम उत्साह और प्रेम विश्वास और उत्साह का था संगम, प्रेम विश्वास और उत्साह का था संगम। समय का परिंदा कहाँ खो गया, समय का परिंदा कहाँ खो गया, अपनों और सपनों को कहाँ ले गया, अपनों और सपनों को कहाँ ले गया। वो पल 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 याद आता वो पल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी, नेमा जी, धन्यवाद। पुनः चार लाइन आप सबसे रूबरू, शीर्षक है मन, शीर्षक है मन। सुनिए, मन मन संभल कर बैठ जा, मन संभल कर बैठ जा, कब तक फिरेगा भागता। मन संभल कर बैठ जा, कब तक फिरेगा भागता। इस ठाव से उस ठाव तक, इस छोर से उस छोर तक, नहीं पता नहीं कुछ पता क्या तलाश है। हाँ, कुछ तो है जो अप्राप्त है, मत खोज उसको इधर उधर, मत खोज उसको इधर उधर। स्वयं का तू साक्षात्कार कर, स्वयं का तू साक्षात्कार कर, स्वयं सिद्ध है यह मानकर, स्वयं सिद्ध है यह मानकर, नव शक्ति का आह्वान कर। थम भीड़ का हिस्सा ना बन, थम भीड़ का हिस्सा ना बन, तू राह अपनी चुन स्वयं, तू स्वर्ण है तप और निखर, तू स्वर्ण है तप और निखर। स्वयं को कलुष से रिक्त कर, तू प्रेम से परिपूर्ण है, स्वयं ब्रह्म है संपूर्ण है, स्वयं ब्रह्म है संपूर्ण है। मन मन संभल कर बैठ जा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार जी। मन की स्थिरता बहुत जरूरी है। मन व्यथित होगा, मन विचलित होगा, तो आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा बिल्कुल। अनुज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े। संध्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप भाई, चलिए चार लाइनें और आप तक प्रेषित करते हैं, समय लगभग होने को है। आप सबसे रूबरू हुए और समय का भान ही नहीं रहा। चलिए पुनः चार लाइनें। दिल की बात, दिल की बात कहने का भी सबब होता है, दिल की बात कहने का भी सबब होता है। मजा तो तब है जब बिन कहे ही उस पर अमल होता है। कुछ अनकही सी अगर कोई समझे तो क्या बात हो। चश्म मूंदे हुए हैं हम और उनका दीदार होता है। मेरे सामने आकर वो मुझसे
मुझको ही मांगे जब मेरे खामोश लब पर हंसी मेरा जवाब होता है। मुकद्दर ने लिखा या मुकद्दर बन गई मेरा, उसके एहसास से ही हर लम्हा मेरा लाजवाब होता है। फकत चंद लम्हों के साथी थे, फकत चंद लम्हों के साथी थे जो बन गए जिंदगी मेरी। अनकहा इश्क भी तो इश्क ऐ खुदा होता है। अनकहा इश्क भी तो इश्क ऐ खुदा होता है, इश्क ऐ खुदा होता है, दिल की बात कहने का भी तो सबक होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, 1,000 कमेंट्स हो गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी जुड़े, हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं तहे दिल से आप सबको धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ कि आप लोग जुड़े, मेरी कविताएं सुन रहे हैं। कविताएं क्या, मन के भाव हैं जो सीधे मन से निकले, मैंने लिख दिए। अब वो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, भाव हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, अनीता दीदी, सपना दीदी, मामा जी जबलपुर से, बन्ना बुआ गुड़गांव दिल्ली से देख रही हैं, आशा मौसी साली चौका से। जी बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सब सराह रहे हैं। नरसे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कुमार जी आप सबका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। सुनंदा दीदी, सपना दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित है। निधि जी बहुत बहुत धन्यवाद निधि। नरसे भाई, सुनील नौशे जी साली चौका से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सविता दीदी, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अंतिम रूप देते हैं। छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से मैं आपसे रूबरू हुआ और आप लोगों ने उसे जी बहुत बहुत धन्यवाद।